नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि हमें पता है कि टोक्यो में ओलंपिक चल रहा है, जिसमें भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम आपको ओलंपिक के एक वाक्य के बारे में बताने जा रहे हैं, जब एक खिलाड़ी ने ओलंपिक का झंडा ही चुरा लिया। जी हाँ, आपने सही सुना, एक खिलाड़ी ने ओलंपिक का झंडा सबकी नजरों से चुरा कर अपने पास रख लिया। बात है 101 साल पहले की। आपको लिए चलते हैं साल 1920 के ओलंपिक्स में। ओलंपिक्स में हैरी प्रिस्टे नाम के बेल्जियन खिलाड़ी ने स्विमिंग की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जिस दौरान उनके तैराक दोस्त ड्यूक काहन मोकू ने उन्हें ओलंपिक का फ्लैग चुराने की चुनौती दे डाली। और हैरी प्रिस्टे भी एक, जिन्होंने न केवल चुनौती को स्वीकार किया बल्कि दी गई चुनौती के मुताबिक ऑफिशियल फ्लैग को चुरा लिया। प्रिस्टे ने एंटवर्प बेल्जियम में ओलंपिक 1920 के अंत में आधिकारिक ध्वज को चुराया। हालांकि किसी को ये पता नहीं चला कि वह ध्वज किसने चुराया, और वो कई सालों तक उसे ढूंढते रहे लेकिन नाकाम रहे। जिसके बाद काफी समय बाद साल 1997 में एक संयुक्त राज्य ओलंपिक समिति के भोज में एक रिपोर्टर ने उन्हें ये बताया कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति लापता एंटवर्प ध्वज को खोजने में असमर्थ रही, यानी उन्हें वह ध्वज नहीं मिला। फिर क्या था, प्रिस्टे ने ध्वज को वापस करने का सोचा। बता दें कि ये एंटवर्प ध्वज 5 रिंग्स यानी 5 छल्लों वाला पहला ध्वज था। उन्होंने कहा, मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ, ये मेरे सूटकेस में है। जिसके बाद 103 साल के प्रिस्टे ने साल 2000 में थोड़ा फीके पड़ गए और फटे हुए झंडे को IOC को लौटा दिया। इस दौरान प्रिस्टे ने कहा, मैं उन्हें दे रहा हूँ, मैं ज्यादा दिन नहीं रहने वाला, मेरे पास ये लंबे समय से था, मेरे बहुत से दोस्तों ने इसे देखा, मैं इसे अपने कमरे में नहीं लटका सकता, लोग मेरे बारे में इसे रखने से ज्यादा देने से ज्यादा सोचेंगे। आपको बता दें कि हैग प्रिस्टे का जन्म 1896 में एथेंस में पहले आधुनिक ओलंपिक के साल हुआ था। ओलंपिक से पहले वह मैक्स सेनेट की मूक कॉमेडी में एक स्टंटमैन और कीस्टोन कोप थे। फिर प्रिस्टे ने 1920 के ओलंपिक में प्रवेश किया, जहां उन्होंने ओलंपिक के फ्लैग को चुरा लिया। तो आपको कैसी लगी ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।